अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपका भाई मौज़ अली ख़ान और आप देख रहे हैं एम के हैक्स एंड ब्लॉग्स। और आज हम लोग आए हैं दरबार पर। सखी सैयद शाहजहाँ मोहम्मद बादशाह सरकार अल काज़मी अल मश्ती के दरबार पर अभी हम लोग जाते हैं। मुनीब खान पहले ही दाखिल हो चुके हैं, ऊपर से दाखिल होना पड़ता है। हम लोग जाते हैं दरबार पर। पंप पे बैठने की जगह पे मलांग होती हैं जी, और ये पंप है पानी वाला। अंदर जाते हैं हम लोग, देखते हैं अब। और साथ में दवाखाना है, कादरी दवाखाना। अब हम लोग दरबार के अंदर दाखिल होते हैं। इसके ऊपर आपकी नजर पड़ती है। दरबार के अंदर दाखिल होते ही सामने हमें सखी शाहजहां मोहम्मद बादशाह का बोर्ड नजर आता है, और साथ में ये कबूतर है, ये बकरी का बच्चा भी आप देख सकते हैं। साथ में भी कब्रें हैं कुछ, और दूसरी तरफ ये दरख्त है जिसके अंदर तेल डाला हुआ है लोगों ने। इसके बारे में भी एक आदमी से हमने पूछा है जो वहाँ का मुजावर था, उसने हमें इसका पूरा वाकया बताया। और ये एक मलंग सफाई कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर भी काफ़ी तादाद में कबूतर हैं। यहाँ सामने दिए भी पड़े हुए हैं, और यहाँ पे एक अजीब चीज़ हमें देखने को मिली है। ये ज़मीन के साथ सफ़ेद मार्बल है, और सफ़ेद मार्बल के साथ दरमियान में जो काला मार्बल है, तो इसके नीचे कब्रें हैं। पूछने पर हमें पता चला है कि इसके नीचे कब्रें हैं, और साथ में उनके नाम भी लिखे हुए हैं जिनकी ये कब्रें हैं। और ये अब दरबार है जी, दरबार का दरवाज़ा ये बैक साइड के पिछली तरफ है दरबार की, जहाँ पे लेकर या मुर्शद पाक करम, साथ में कुरान पाक वगैरह पड़े हुए हैं। और ये कुछ और सामान, ये भी कोई कमरा वगैरह इन्होंने बनाया। दरबार की एक ख़ास ख़ूबी ये है कि औरतों की साइकिल अलग है और मर्दों की बिल्कुल अलग है। ये दरबार है जी, अभी जी हम लोग दरबार के अंदर दाखिल होते हैं, मज़ार के ऊपर दाखिल होते हैं, और दुआ भी करते हैं और फातिहा खानी भी करते हैं। तो ये मज़ार शरीफ का अंदरूनी हिस्सा है जी, आप देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है। साथ में एक भाई ने मोबाइल पर यासीन इस भाई ने लगाई हुई है, वो सुन रहे खामोशी से अदब से बैठ कर। माशाल्लाह ये बड़ी सुकून वाली जगह। दरबार से निकलने के बाद भूख लग गई, और दही भले हम लोगों ने मंगाए हैं यहाँ पे रास्ते में से फैज़ाबाद में। दही भले अभी हम लोग खाते हैं, ज़बरदस्त किस्म के थे। दूसरी प्लेट भी मैंने मंगाई, फिर अभी दही भले खाते हैं। मेरे साथ जिशान भाई भी आ गए हैं। अभी हमारा वापसी का भी इरादा है। उसके बाद हम लोगों ने नींबू पानी पिया है। नींबू पानी वाले के साथ में आवाज़ें भी आप देखें, नींबू पानी वाले ने बड़े ज़बरदस्त से चार लगे हैं साथ में कैसे खें। और उसके बाद हाईएस में बैठते हुए फैज़ाबाद से हम लोग अपने शहर अबाद की तरफ निकल गए। शीशे हाईएस के सारे बंद थे, और इंसान पसीना पसीना हुआ हुआ था। जैसे ही हम लोग हज़ारा मोटरवे पर अवेलियाँ से तकरीबन काफ़ी सारे पीछे रिपोर्ट से आगे हम लोग आए हैं, तो बारिश शुरू हो गई है। खुदा पाक का हम लोगों ने शुक्र अदा किए, और जैसे ही हम लोग अबाद में आके उतरे हैं तो रेनबो हमें नज़र आई है। हमारा इस्तकबाल रेनबो ने किया है अपने शहर में। अपने शहर से इंसान बैठ जाता है तो अपने शहर की बड़ी याद आती है। तो आज का व्लॉग यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। उम्मीद करते हैं आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा पीएमए का कूल है, पीएमए का कूल है।